पिछले दिनों हर बार की तरह टाइम एट मध्य प्रदेश द्वारा जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता के साथ दिखाने की कड़ी में देव बड़ला के रास्ते की खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया था। खबर का असर हुआ और देव बड़ला धाम के रोड का काम पूजन कर शुरू किया गया। लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र की जनता इस रोड का इंतजार कर रही थी। वहीं क्षेत्र के विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय द्वारा घोषणा की गई थी कि शिवरात्रि से पहले रोड का काम शुरू किया जाएगा। विधायक जी द्वारा अधिकारियों से लगातार बात कर रोड का काम शुरू कराया गया है। वहीं मंडल अध्यक्ष राजेंद्र केशव ने बताया कि पूर्व में भी देव बड़ला धाम पर 15 लाख रुपए के शौचालय का निर्माण एवं माननीय विधायक जी द्वारा देव बड़ला धाम को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया। पूर्व पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा जी द्वारा देवधाम को पर्यटन स्थल से जोड़ा एवं करोड़ों के कार्य शुरू करवाए। टाइम एट मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मैं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। पिछले दिनों हर बार की तरह टाइम एट मध्य प्रदेश द्वारा जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता के साथ दिखाने की कड़ी में देव बड़ला के रास्ते की खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया था। खबर का असर हुआ और देव बड़ला धाम के रोड का काम पूजन कर शुरू किया गया। लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र की जनता इस रोड का इंतजार कर रही थी। वहीं क्षेत्र के विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय द्वारा घोषणा की गई थी कि शिवरात्रि से पहले रोड का काम शुरू किया जाएगा। विधायक जी द्वारा अधिकारियों से लगातार बात कर रोड का काम शुरू कराया गया है। वहीं मंडल अध्यक्ष राजेंद्र केशव ने बताया कि पूर्व में भी देव बड़ला धाम पर 15 लाख रुपए के शौचालय का निर्माण एवं माननीय विधायक जी द्वारा देव बड़ला धाम को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया। पूर्व पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा जी द्वारा देवधाम को पर्यटन स्थल से जोड़ा एवं करोड़ों के कार्य शुरू करवाए। टाइम एट मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मैं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। पिछले दिनों हर बार की तरह टाइम एट मध्य प्रदेश द्वारा जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता के साथ दिखाने की कड़ी में देव बड़ला के रास्ते की खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया था। खबर का असर हुआ और देव बड़ला धाम के रोड का काम पूजन कर शुरू किया गया। लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र की जनता इस रोड का इंतजार कर रही थी। वहीं क्षेत्र के विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय द्वारा घोषणा की गई थी कि शिवरात्रि से पहले रोड का काम शुरू किया जाएगा। विधायक जी द्वारा अधिकारियों से लगातार बात कर रोड का काम शुरू कराया गया है। वहीं मंडल अध्यक्ष राजेंद्र केशव ने बताया कि पूर्व में भी देव बड़ला धाम पर 15 लाख रुपए के शौचालय का निर्माण एवं माननीय विधायक जी द्वारा देव बड़ला धाम को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया। पूर्व पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा जी द्वारा देवधाम को पर्यटन स्थल से जोड़ा एवं करोड़ों के कार्य शुरू करवाए। टाइम एट मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मैं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।